वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी तुहानू बाबा श्री चंदर जी के बारे एक दिलचस्प कहानी दसन जा रहे हैं। बाबा श्री चंदर जी द्वारा शिला राही रावी नदी पार करना। ममून तो चल के बाबा श्री चंदर जी एक जंगल राही जा रहे सन। उत्थे कुछ समा रस्ते विचों रुके, फिर उत्थे आप जी चंबे नू चल पे। जद रावी ते पहुँचे तो एक साधु ने, जो कि चंबे का रहन वाला सी, ने अपनी शक्तियां द्वारा अपने सारे लोगों नू वस विच कीता होया सी। अते मलाह नू हुकम सी कि वह किसी भी साधु नू रावी नदी पार ना करवावे ते ना ही किसी नू नदी तो पार जान दी परमिशन देवे। फिर की सी, बाबा श्री चंदर जी उस नदी के किनारे पहुँच गए। बाबा श्री चंदर जी ने मलाह नू नदी पार करन लई कहा, पर मलाह ने बेवसी जाहिर करदे होए कहा कि बाबा जी मैनू माफ़ करो, मैं यह नहीं कर सकता। मैं तुहाड़ी बहुत इज्जत करता हाँ, पर मैं यह नहीं कर सकता। तद बाबा श्री चंदर जी ने नदी के किनारे पई एक शिला नू इशारा करदे होए कहा कि चल तू ही सानू नदी पार करा दे। यह कहन दी देर सी कि वह शिला पानी उत्ते तरन लग पई। बाबा श्री चंदर जी उस शिला ते खलो के नदी पार कर गए। फिर सारिया सवारियां ने, जो कि बेड़ी विच बैठिया हुई सन, देख के बहुत हैरान हो गई। मलाह ने बाबा श्री चंदर जी दे पैरां विच डिग के माफ़ी मंगी। वह शिला अज भी मौजूद है। उस शिला की अज बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा नाल धूफ अगरबत्ती की जाती है। इस घटना का जदों उस योगी नू पता लगा जिसने उत्थों दे लोकां दे मन बदले हुए सन, वह बाबा श्री चंदर जी दे आन के चरणा विच डिग पिया अते माफ़ी मंगन लग पिया अते नमस्कार कीती। भगवान बाबा श्री चंदर जी ने कहा कि आप नू लोकां नू सीधे रस्ते ते पाना चाहिदा है। आप अपनियां गलत शक्तियां दी वरतों कर रहे हो, यह शक्तियां दी सही वरतों करो अते लोकां दा भला करो। उस योगी ने बाबा श्री चंदर जी कोलों माफ़ी मंगी अते बाबा श्री चंदर जी दे कोल बैठ गया अते उत्थे सेवा करन लग पिया। चंबे दे लोकां दे दो ख्याल हन। कई लोग कहिंदे हन कि यह शिला भगवान जी पहाड़ी तो उड़ा के लै के आए सन, पर यह साबित हो चुका है कि बाबा श्री चंदर जी इस शिला राही नदी पार करके आए सन। यह चंबे विखे मौजूद है। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन बाबा श्री चंदर महाराज जी दी जय।